आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एमडीएच मसालों के किंग महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन, दिल्ली में ली अंतिम सांस। किसान आंदोलन आज आठवें दिन भी जारी, आज होगी सरकार से वार्ता। जयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य महाराज पृथ्वीराज का निधन, जयपुर में शोक की लहर। अब खबरें विस्तार से। एमडीएच मसाला कंपनी के शहंशाह कहे जाने वाले जाने माने महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के माता चंदन देवी अस्पताल में सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। एमडीएच मसालों के विज्ञापनों में दिखाई देने वाले एमडीएच के मालिक चुन्नीलाल उर्फ महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। वे 98 साल के थे। धर्मपाल का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ था। गुलाटी ने 1956 में एमडीएच की स्थापना की थी। महाशय धर्मपाल गुलाटी को पिछले साल संस्करण के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। कृषि कानून के मसले पर किसानों का विरोध लगातार जारी है। आज यानी गुरुवार को किसान और सरकार के बीच वार्ता होगी। साथ ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आज चौथे दौर की बातचीत होने वाली है। इससे पहले मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच वार्ता बेनतीजा रही। जानकारी के मुताबिक बातचीत से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। बता दें, प्रदर्शनकारी किसान राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर डेरा डाले हैं और सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर किसान पंजाब से है। वहीं किसान संगठनों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक देश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। जयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य महाराज पृथ्वीराज का कोविड-19 के कारण बुधवार को निधन हो गया। वे 84 साल के थे। उन्होंने जयपुर के निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। इससे राजधानी जयपुर में शोक की लहर है। महाराज पृथ्वीराज पिछले काफी दिनों से कोरोना संक्रमित थे, जिनका जयपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती गई और बुधवार शाम उनका निधन हो गया। महाराज पृथ्वीराज रामबाग पैलेस के निदेशक थे और दौसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। उन्होंने एक तेजस्वी उद्यमी और समर्पित पेशेवर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनके प्रयासों से रामबाग पैलेस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैलेसों में से एक बन सका। उनकी छवि बेहद विनम्र और अच्छे इंसान के रूप में थी। उनके निधन से राजधानी जयपुर में हर कोई दुखी है। राजसमंद से बीजेपी सांसद और भाजपा के प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी कोरोना पॉजिटिव हैं। बुधवार को ट्वीट कर उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। राजसमंद से भाजपा सांसद और भाजपा के प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी का नाम भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट में शामिल हो गया है। दिया कुमारी ने हाल ही में अपनी कोविड-19 से जुड़ी जांच करवाई थी, जो पॉजिटिव आई है। दिया कुमारी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दिया कुमारी ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। साथ ही उन सभी लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है जो बीते सप्ताह उनके संपर्क में आए थे। दिया कुमारी पिछले दिनों लगातार पंचायती राज चुनाव के कार्यक्रमों में व्यस्त रही, संभवतः इसी दौरान कोरोना के चपेट में आई। बारा के छिपाबड़ोद में पुलिस ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की। गश्त के दौरान एक लग्जरी कार से 112 किलो अफीम डोडा और 250 ग्राम अफीम बरामद कर कापुर जब्त किया। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान बुलखेड़ी गांव में मुंडकी गांव की तरफ से आ रही बिना नंबर के संदिग्ध लग्जरी कार को चेक करने के लिए रोकने का प्रयास किया तो कार चालक फिल्मी अंदाज में कार को तेजी से घुमाकर मुंडकी गांव की तरफ भागने लगा। पुलिस ने तत्परता से पीछा किया तो चालक ने कार को बुलखेड़ी गांव और मुंडकी गांव के बीच खाल की पुलिया से नीचे कुदा दिया। कार का शीशा फोड़कर पैदल ही खाल में होकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने संदिग्ध कार को जेसीबी मशीन से बाहर निकलवाया तो उसमें 8 प्लास्टिक के कट्टों में 112 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा और एक स्टील के टिफिन में 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की। मांगरोल क्षेत्र के किसानों ने बुधवार को संयुक्त किसान संघर्ष समिति विधानसभा अंता के तत्वाधान में मेला प्रांगण में एक दिवसीय धरना दिया। इसमें किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में और दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में तहसीलदार बांगरोल को ज्ञापन सौंपा। बैठक को समिति संयोजक रामचंद्र मीणा और पवन यादव बारा ने संबोधित करते हुए बताया कि सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि अध्यादेशों को तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा गया है। किसानों का आरोप है कि उक्त तीनों अध्यादेशों में नया कुछ भी नहीं है जिससे किसानों का भला हो सके।
किसान हित में कोई नया प्रावधान नहीं होने से किसानों में इस कृषि बिल के विरोध में नाराजगी है। सूरतगढ़ में बुधवार शाम व्यापार मंडल कार्यालय नई धान मंडी में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी और पीसीसी सदस्य हनुमान मेल के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये वार्ता किसान कानून के विरोध में की गई थी। वार्ता में हनुमान मेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसान और व्यापार विरोधी कृषि बिलों और केंद्र सरकार की हठधर्मिता के विरोध में प्रेस वार्ता की गई। कई राज्यों के किसानों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद केंद्र सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही, बल्कि बलपूर्वक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। मेल ने बताया कि किसानों को डराया धमकाया जा रहा है। दिल्ली जाने के तमाम रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात कर रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया है। इसी बात का विरोध कर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की ओर से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें आपकी आगे की क्या रणनीति है और क्या कार्यक्रम है? किसानों की जो आंदोलन चल रहा है कि पिछले 7-8 दिन से दिल्ली के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार इनको रोकने का प्रयास कर रही है और हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, हम किसानों के साथ में हैं। 3 स्तर की वार्ता उनसे हो चुकी है जिनमें कोई सहमति नहीं बनी है। 3 तारीख को किसानों की 4th स्तर की वार्ता होगी। हमें पूरी उम्मीद है उसमें किसानों की मांगों को माना जाएगा। अगर वो मांगे नहीं मानी जाती है तो सूरतगढ़ के किसान इकट्ठे होकर जत्थे के रूप में दिल्ली जाएंगे और किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में शामिल होकर उनके आंदोलन में हम सहयोग करेंगे। जयपुर के पावटा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हेतु एक ऑपरेशन हाईवे और ऑपरेशन एस्कॉर्ट विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के बीच बुधवार को प्रागपुर थाना प्रभारी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हेतु ऑपरेशन हाईवे और ऑपरेशन एस्कॉर्ट विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसकी पालना करते हुए बुधवार को प्रागपुर थाना प्रभारी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय IPS ने प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। उन्होंने बनाड़ी कालीघाटी खनन क्षेत्र की ओर से आने वाली पिकअप वैन को चेक करने पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की 59 पेटियां जब्त की है। प्रागपुर थानाधिकारी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठन कर अवैध विस्फोट सामग्री की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में वाहनों को जब्त कर 2 अभियुक्तों रामचरण पुत्र काशीराम जाति गुर्जर उम्र 50 साल और सुनील पुत्र महाराम जाति गुर्जर उम्र 28 साल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। आज हमने बनाड़ी क्षेत्र में 2 कार्रवाइयां की एक्सप्लोजिव एक्ट की। एक्चुअली में यहाँ पे बहुत इलीगल एक्सप्लोजिव्स आते हैं, खानों में यूज होते हैं और उससे बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं लोगों को। एक तो डेंजरस होता है ये, दूसरा क्या है कि बिना परमिट के होते हैं, इलीगल एक्सप्लोजिव्स होते हैं। तीसरी ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं जिस तरीके का एक्सप्लोजिव्स को, एक्सप्लोजिव के साथ डेटोनेटर भी एक ही गाड़ी में रखकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, इससे भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो और इन्वायरमेंट को तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान है। हमने देखा तो इतनी गहरी गहरी खाइयाँ हैं, 60 फीट की खाइयाँ हो चुकी हैं इनके ब्लास्टिंग की वजह से। तो हमने ये कार्रवाई शुरू की है और हम उम्मीद करते हैं कि हम धीरे आने वाले दिनों में जितने भी इलीगल यहाँ पे डेटोनेटिंग हो रहे हैं, जितनी भी ब्लास्टिंग हो रही है, सबको हम बंद कर देंगे जिससे कि इलाके में इस तरह की कोई भी अवैध कार्रवाई ना हो। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।